ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और अब वक्त हो चुका है दिल्ली एनसीआर की 10 बड़ी खबरों का। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई कम, पिछले 24 घंटे में 115 नए मामले आए सामने जबकि 4 लोगों की हुई मौत। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर बीजेपी और केजरीवाल सरकार में एक बार फिर छिड़ गई रार। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक पैनल की रिपोर्ट को आधार बनाकर केजरीवाल सरकार पर कई आरोप लगाए जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने इन सब तथ्यों को झूठा ठहराया। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट पर केजरीवाल का बीजेपी पर पलटवार, मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा, कहा जब आप चुनावी रैली कर रहे थे मैं रात भर जाकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 9 के जीडी गोयनका स्कूल टीचर की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा। जीडी गोयनका स्कूल के स्टाफ और अभिभावक ने आज स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया जिसके साथ स्कूल प्रशासन और पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप भी लगाया। दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के शाहबाद डेरी थाना इलाके में बीती रात एक युवक की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि घर से बुलाकर हत्या की वारदात को दिया गया अंजाम। दिल्ली के सराय रोहिला इलाके में रोहतक रोड पर गुरुवार देर रात डीटीसी की एक बस बेकाबू होकर ट्रैफिक पुलिस बूथ में जा घुसी। इस हादसे में 3 ट्रैफिक पुलिस कर्मी सहित 5 लोग घायल हो गए जिनमें से एक की अस्पताल में मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पहलवान सागर धनकर की मारपीट के बाद हुई हत्या के मामले में जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही अब उसका नया ठिकाना मंडोली जेल नहीं बल्कि तिहाड़ जेल होगा। दिल्ली के शास्त्री पार्क के एक स्कूल में वैक्सीन लेने गए एक युवक को सुरक्षा अमले ने ड्रेस कोड का हवाला देते हुए टीकाकरण केंद्र से वापस कर दिया। युवक को बताया गया कि उसे हाफ पैंट में टीका नहीं लग सकता, इसके लिए उन्हें कपड़े बदल कर आना पड़ता है। शालीमार बाग की सेवा बस्तियों का हाल हुआ बेहाल, पानी और सफाई न होने की वजह से महिलाओं को जाना पड़ता है खुले में शौच, कहा नहीं सुनने को तैयार है सरकार। दिल्ली में गुरुवार को चली धूल भरी आंधी से लोगों को मिली गर्मी से राहत, पर अभी है दिल्ली वालों को मानसून का इंतजार। ऐसे ही तमाम भरी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर